हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट टैलेंट पर। दोस्तों, यहां पर आज हम बात करने वाले हैं UP SSSC एग्ज़ाम और UPSL री एग्ज़ाम को लेकर। मैं यहां पर आपको देने जा रहा हूं सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा और UP SSSC का। जो दोस्तों आपका एग्ज़ाम होने वाला है, आपका है क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल। तो दोनों एग्जामों के लिए ये आपका प्रैक्टिस सेट काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे। PDF के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट टैलेंट पर। दोस्तों, इसके अलावा मैं अनकेडमी पर एजुकेटर भी हूं, तो मेरे द्वारा बनाए गए सभी कोर्स आप देख सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों सिंपल सबको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर और वहां पर जाके आपको सर्च करना है अनकेडमी लर्निंग ऐप। उसके बाद में उस ऐप को आपको वहां पर इंस्टॉल करना है और मेरे द्वारा बनाए गए सभी कोर्स आप देख सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं, जो कि आपके UPSC, UPSSSC, SSC, बैंक, रेलवे आज सभी परीक्षाओं के लिए वहां पर इम्पोर्टेंट कोर्स मैंने दिए हैं और लगातार मैं वीडियो वहां पर अपलोड कर रहा हूं। इसके अलावा दोस्तों, इसका जो लिंक है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अभी आप डाउनलोड करें अनकेडमी का लर्निंग ऐप और आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 यहाँ पर आपका दोस्तों दिया गया है, किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है। इसके यहाँ पर आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर आपका है तीसरा, ठीक है, टा ठा डा ढा और अड़ा, इसका है यहाँ पर राइट आंसर। आगे बात करेंगे, किस क्रम में वृत्त मुखी स्वर नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन आपका राइट है बड़ा आ। ये दोस्तों आपका क्या है, इसे बोलते हैं व्रीवृत्त स्वर, इसे बोलते हैं। आगे बात करेंगे, किस क्रम में पश्य स्वर है। इसके चार ऑप्शन यहाँ पर आपके दिए गए हैं और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा छोटा ऊ हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका बड़ा आ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ये भी आपके पश्य स्वर होते हैं। आगे यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है ये आपके किस तरह के व्यंजन हैं या स्वर हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है, जो कि दो, इसमें क्या होता है दोस्तों, दो या दो से अधिक व्यंजन दुनिया परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोले जाएँ तो उसे हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। आगे बात करेंगे, किस क्रमांक में उत्तम पुरुष का उदाहरण नहीं है। इसके चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं, यानी कि उन्हें इसमें आपका उत्तम पुरुष का उदाहरण नहीं है दोस्तों, क्योंकि उन्हें प्रथम पुरुष का आपका ये उदाहरण है, ना कि उत्तम पुरुष का। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, यानी कि स्वयं, खुद जब कोई काम किया जाए उसे बोलते हैं निजवाचक। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, निजवाचक। क्वेश्चन नंबर 77, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं। चार इसके यहाँ पर आपके दिए गए हैं ऑप्शन, इसका दूसरा राइट आंसर यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि वह लड़का है, यह लड़की है, रोटी मत खाओ वह जली है, यानी कि यहाँ पर जो आपका वह है और यह है, ठीक है, ये आपके होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे बात करेंगे, माँ बच्चे को दूध पिला रही में कौन सा कारक है। चार ऑप्शन आपके हैं, पहला यहाँ पर आपका है करण, संप्रदान, अपादान और कर्म। तो इस क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा कर्म कारक, यहाँ पर आपका होगा कर्म कारक। यहाँ पर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ दूध पिलाने का जो प्रभाव है वो बच्चों पर पड़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका रहेगा कर्म कारक। आगे बात करेंगे, किस क्रम में कर्ता कारक नहीं है। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके दिए गए हैं, इसका जो बी वाला है, गरीब के लिए निमित्त वस्त्र दान करो, यानी कि जब किसी के लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए तो वहां पर हमेशा आपका हो रहता है संप्रदान कारक। आगे बात करेंगे, किस क्रम में कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है। इसके चार आपके ऑप्शन दिए गए हैं और कौन सा यहां पर आपका है राइट आंसर। तो यहां पर दोस्तों आपका होगा बिजली चमक रही है, इसमें कर्ता कारक नहीं है, यहाँ चमकने का कार्य बिजली नहीं कर रही है, दो बादलों की टक्कर से बिजली चमकती है और वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपका सचिन क्रिकेट खेल रहा है, तो मैं जो है क्रिकेट सचिन द्वारा खेला जा रहा है, तो यहाँ पर कर्ता क्या रहेगा आपका, सचिन रहेगा। तो इसका जो आंसर आपका है बी वाला है, जो आपका ये कर्ण तत्पुरुष समास यहाँ पर ये नहीं होगा। आगे बात करेंगे, किस क्रम में कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है। चार इसके आप ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पर आपका जो दूसरा वाला है गृहगत, ये इसका है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका है 82, चक्र पाणी शब्द में कौन सा समास है। इसके चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं, पहला यहाँ पर आपका है बहुव्रीहि समास, दूसरा यहाँ पर आपका है द्वंद्व समास, तीसरा है कर्मधारय, चौथा है तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर पहला बहुव्रीहि समास। चक्र पाणी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चक्र हो जिसके पाणी में, यानी कि अर्थात भगवान विष्णु।
आगे बात करेंगे किस क्रम में समास का सही विग्रह नहीं हुआ है। चार ऑप्शन यहाँ पर है आपका, है मुरली धार यानी कि मुरली धारण करने वाले यानी कि कृष्ण, दोपहर यानी कि दो पहरों का समाहार, पतिव्रता पति का व्रत लेने वाली स्त्री, यही आपका यहाँ पर गलत है। आगे यहाँ पर आपका है कनक लता यानी कि कनक के समान लता, तो ये आपका जो पतिव्रता है इसका जो सही है वो क्या होता है सही इसका विग्रह, यानी कि पद के लिए व्रत करने वाली स्त्री, ये इसका होता है सही विग्रह। आगे बात करेंगे किस क्रमांक में विशेषण का भेद नहीं है। चार इसके यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो आपका चौथा है क्रियावाचक विशेषण, क्रियावाचक कोई विशेषण नहीं होता है। विशेषण के चार प्रमुख भेद हैं। पहला यहाँ पर आपका होता है सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाण बोधक विशेषण। आगे बात करेंगे यह लड़का बहुत होशियार है में कौन सा विशेषण है। इसके चार ऑप्शन आपकी दिए गए, यानी कि दूसरा गुणवाचक विशेषण यहाँ पर होता है, ठीक है। क्यों, यह लड़का बहुत होशियार में, होशियार क्या है, होशियार क्या है, लड़का का गुण है एक, तो यहाँ पर आपका रहेगा गुणवाचक विशेषण, जैसे कि लाल हो गया, दुबला, मोटा, सच्चा, ये सारे आपके आते हैं गुणवाचक विशेषण में। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 86, किस क्रम में अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण नहीं है। इसके चार यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो तीसरा आपका राइट है कि वह बहुत समझदार है, ये आपका गुणवाचक विशेषण होगा, ठीक है। और अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होते क्या है, जिसमें कि कोई हो, ठीक है, किसी हो, कुछ हो, जहाँ पर कोई चीज़ निश्चित ना हो, तो वहाँ पर रहता है आपका अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। आगे बात करेंगे क्वेश्चन यहाँ पर आपका अगला दिया गया है, किस क्रम में अकर्मक क्रिया नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो पहला वाला है कि मैं आपका नाम जानता हूँ, यहाँ आपका क्या है, आपका कर्म है, तो इसमें आपका अकर्मक क्रिया नहीं होगा। और हरभजन फुटबॉल खेलता है, इसमें भी यहाँ पर आपका फुटबॉल का यहाँ पर कर्म है, तो यहाँ पर इन दोनों में यहाँ पर अकर्मक क्रिया नहीं है, ठीक है। और घोड़ा दौड़ रहा है, बादल घिर रहे हैं, तो इसमें यहाँ पर आपकी अकर्मक क्रिया होगी। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि दो ऐसे ऑप्शन हैं जहाँ पर अकर्मक क्रिया नहीं है, इन दोनों में यहाँ पर अकर्मक क्रिया आपका नहीं होगा, ठीक है। आगे बात करेंगे लोग रामायण पढ़ते ही में कौन सी क्रिया है। अब यहाँ पर ये सकर्मक है, अकर्मक है, कौन सी क्रिया यहाँ पर है, लोग रामायण पढ़ते, यानी कि रामायण पढ़ते, रामायण यहाँ पर क्या है आपका, रामायण यहाँ पर आपका कर्म है, तो जहाँ पर कर्म होता है वो आपका रहता है सकर्मक क्रिया, तो यहाँ पर आपका रहेगा सकर्मक क्रिया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर पहले, यानी कि सकर्मक क्रिया। किस क्रम में सही उपसर्ग नहीं है। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका जो तीसरा है इसमें आपका सही उपसर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका है 90, किस क्रम में ला उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है। चार इसके यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए, आपका दूसरा वाला है राइट, यहाँ पर ला वजह, ला वजह कभी भी नहीं होता है, ये आपका होता है बेवजह होता है, ना कि ला वजह होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका बी। आगे बात करेंगे अन्वेषण शब्द में कौन सा यहाँ पर आपका उपसर्ग है। 91 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके दिया गया, यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा अनु हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन में यहाँ पर आपको बताना है कि आपका जो प्रत्यय है कौन सा है, ठीक है। इसके यहाँ पर आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, और यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका इक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। किस क्रम में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है। चार इसके आपके ऑप्शन दिए गए हैं, और इनमें से आपको कोई एक ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है दोस्तों, इनमें से आपका पथरैला, ये इसका है राइट आंसर, ठीक है। पत्थर में इला प्रत्यय के प्रयोग करने से पथरीला होता है, ठीक है, पथरीला ये आपका हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखेंगे पथ, और यहाँ पर आपका रहेगा रीला, पथरीला ऐसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपके, यहाँ पे पथरैला है, ठीक है, तो ये आपका गलत है। चलिए आगे बात करेंगे किस क्रम में गुणवाचक यहाँ पर आपका प्रत्यय की बात की गई है, ठीक है। तो चार इसके यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, और इनमें से आपका कौन सा राइट है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर पहला, ईर्ष्यालु। तो इसमें क्या है, ईर्ष्या में लु प्रत्यय के योग से बनता है आपका ईर्ष्यालु, तो यहां पर आपका पहला वाला हो जाएगा राइट आंसर। बहिरंग शब्द में कौन सी यहां पर आपकी संधि है। चार इसके आपके ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि यहां पर आपका विसर्ग संधि होगा, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है दोस्तों, इसको लिखते हैं बही, और यहां पर प्लस, यहां पर आपका रहेगा रंग, ठीक है। इसको इस तरह से लिखेंगे तो यहां पर आपका रहेगा विसर्ग संधि। चलिए आगे बात करेंगे अनुष्ठान का सही संधि विच्छेद यहां पर आपका क्या होगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, और इसका जो आंसर आपका हो जाएगा चौथा वाला, ठीक है। आगे बात करेंगे किस क्रम में उचित संधि विच्छेद नहीं है। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके दिए गए हैं, और 97 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, यहाँ पर आपका है सम प्लस निधि, ये इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका दिया गया है 98, कौन सा उचित प्रतीत होता है। चार इसके आपके ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से कौन सा आपका है राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो पहला है परम प्लस तू परंतु, इसमें आपका राइट है ये, बाकी तीनों यहाँ पर आपके गलत हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे किस क्रम में गुणसंधि नहीं है। चार इसके आपके ऑप्शन दिए गए हैं, चौथा वाले में आपका यहाँ पर गुणसंधि नहीं होगा। जिसका काम उसी को साजे, लोकोक्ति का सही अर्थ किस क्रम में है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका है 100, इसका आपका होगा जिसका जो काम है वही उसे अच्छी तरह से कर सकता है, इसका ये आपका होगा राइट आंसर। एक क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका दिया गया 101, किस क्रम में लोकोक्ति नहीं है। चार इसके आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आपका चींटी की पर निकलना, इसमें दोस्तों कोई भी आपका लोकोक्ति नहीं होगा, क्योंकि लोकोक्ति के पीछे कोई कहानी होती है या कोई घटना होती है और उससे निकली बात बाद में जो है लोगों की जुबान पर चलती हुई निकलती है। ठीक है, तब उसको हम लोकोक्ति बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर है तू डाल डाल मैं पात पर, ठीक है इसमें है, लेकिन आपका जो चींटी की पर निकलना इसमें आपका लोकोक्ति नहीं होगा। आगे बात करेंगे खुशियाँ मनाना किस मुहावरे का अर्थ है, यानी कि दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा घी के दीपक जलाना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका है 103, कौन सा क्रम सही नहीं है। इसके यहाँ पर आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, गांठ बांधना मुहावरा, चुल्लू भर पानी में डूबना मुहावरा, उल्टे बांस बरेली को मुहावरा, ऊँट किस करवत बैठता है लोकोक्ति। तो इसका जो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है उल्टे बांस बरेली को, ये आपका मुहावरा नहीं होगा, ये आपका होगा ये लोकोक्ति होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे किस क्रम में अशुद्ध वर्तनी है। तो इसका दूसरा भी सही है, तीसरा चौथा भी सही है, आपका जो पहला वाला है इंद्रा ये आपका गलत है, यहाँ पर आपका इंद्र रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे किस क्रम में यहाँ पर आपका शुद्ध वर्तनी है। चार इसके यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो तीसरा वाला यहाँ पर आपका है शुद्ध वर्तनी, बाकी सारे यहाँ पर आपके अशुद्ध होंगे। बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पर 106, किस क्रम में वाक्य शुद्ध है। इसके यहाँ पर आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला वाला आपका अशुद्ध है, तीसरा भी अशुद्ध है, चौथा भी अशुद्ध है। दूसरा वाला आपका यहाँ पर शुद्ध है कि व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनीय है, ये आपका शुद्ध है। अच्छा, पहले वाले में आपका शुद्ध क्या होगा दोस्तों, पहले वाले में आपका शुद्ध वाक्य क्या होगा कि मुझे बहुत दुख हुआ। तीसरे वाले आकाश में दीर्घकाय बादल छा रहे हैं, इसका शुद्ध क्या होगा कि आकाश में दीर्घकालीन बादल छा रहे हैं। चौथा है कोयल का बोलना मन को अच्छा लगता है, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा। तो यहाँ पर इसका जो शुद्ध वाक्य है दोस्तों ये आपका होगा कोयल की बोली मन को अच्छी लगती है। आगे बात करेंगे पुस्तकों में यह बहुत श्रेष्ठ है वाक्य में किस तरह की अशुद्धि, यानी कि यहाँ पर आपका जो अशुद्धि आपका है विशेषण संबंधी अशुद्धि है। क्यों यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर जो श्रेष्ठ है इसके बारे आपका बहुत नहीं आएगा, क्योंकि इसका मतलब ही होता है श्रेष्ठ का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ का मतलब होता है कि सबसे अच्छा। आगे बात करेंगे किस क्रम में विराम चिन्ह का प्रयोग सही नहीं हुआ है। इसके यहाँ पर आपके चार ऑप्शन दिए गए, यानी कि दूसरा वाला इसका है राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है कोष्टक में दिया गया चिन्ह किसका है। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके दिए गए हैं, इसे बोलते हैं हंस पद बोलते हैं, यह त्रुटि परक चिन्ह कहते हैं, बी है इसका राइट आंसर। नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची नहीं है। चार इसके आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से आपका राइट क्या है। ठीक है, यानी कि बनावटी, ये दोस्तों आपका नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। चलिए आगे बात करेंगे किस क्रम में सही पर्याय नहीं है। चार ऑप्शन यहाँ पर आपकी दिए गए हैं, तो आपका जो दूसरा वाला है दूध का नीर जल पावस, इसमें जो है आपका ये क्रम सही नहीं है। बाकी आपका जो पहला वाला है, तीसरा है, चौथा, ये आपके क्रम सही हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका दिया गया 112, किस क्रम में विलोम उचित नहीं है। चार इसके आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो तीसरा वाला परितोष का संतोष, ये दोस्तों आपका यहाँ पर इसका विलोम शब्द नहीं होगा, उचित नहीं है, क्योंकि ये जो आपका समानार्थी शब्द होता है इसका। ठीक है, आगे बात करेंगे किस क्रम में यथार्थ का सही विलोम नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा सत्य, क्योंकि यथार्थ और सत्य ये आपके हैं समानार्थी शब्द। आगे बात करेंगे यहाँ पर आपको बताना है इसका सही सटीक अर्थ क्या होगा। पहला यहाँ पर आपका है प्रथा और प्रथा, तो क्वेश्चन काफ़ी आपका ये इम्पोर्टेंट है और इसका आपका होगा कुंती और रीत, एक का अर्थ कुंती एक अर्थ रीति होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। यहाँ पर क्या दोस्तों इसका बताना आपका हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है, तो हिंदी में इसको बोलते क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं अभियोग चलाना। क्वेश्चन नंबर 116, वर्तनी संबंधी अशुद्धि से युक्त कौन सा यहाँ पर आपका शब्द है। चार इसके आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर दूसरा वापिस राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वापिस आपका नहीं होता, ये आपका वापस होता है,
इसको हम वापस लिखते हैं, वापिस नहीं होता है ये आपका। आगे बात करेंगे किस शब्द युग्म में सही अर्थ भेद नहीं है। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके दिए गए हैं, इसका जो तीसरा वाला है इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों अली का मतलब क्या होता है, अली का मतलब होता है भमरा, ठीक है, और अली का मतलब होता है अपर्याप्त या अल्प होता है, तो यहाँ पर आपका यही इसका है राइट आंसर। आगे बात करेंगे किस क्रमांक में सभी यहाँ पर आपके अशुद्ध हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर। कौन सा यहाँ पर आपका तद्भव नहीं है, सूरज, पंछी, दूध, ये आपके तद्भव हैं, जबकि पुत्र ये आपका तद्भव शब्द नहीं होता है, ठीक है, पुत्र का आपका बेटा होता है। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन 120, किस क्रमांक में सभी तत्सम नहीं है, इसके यहाँ पर आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो चौथा वाला है इसमें आपके सभी तत्सम नहीं है, तो ये इसका है राइट आंसर, ठीक है। चलिए बात करेंगे आगे, तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन थे जो कि हमने यहाँ पर आपको बताए हैं, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है आपके यूपी SSSC एग्जाम और यूपी PCL री एग्जाम के लिए। तो वीडियो अगर आपको ये मेरा पसंद आया है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको लगातार मिलती रहे, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें जहाँ पर आपको ये मिल जाएगा PDF, और मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें अन अकेडमी पर, जहाँ पर आपको फ्री में सारे कोर्स मैं आपको दे रहा हूँ। तो बाय बाय, टेक केयर एंड सी।